में जो उबाल देखने को मिला है उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। और ये जो हमने करीब करीब 17 से 20% तक की बढ़त ओवरनाइट देखी है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कहा कि मैंने बात कर ली है सऊदी अरेबिया के किंग से और साथ ही साथ व्लादिमीर पुतिन से भी कि दोनों के बीच समझौता होगा, प्रोडक्शन कट पर फोकस करेंगे। इसको अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ब्रेक डाउन करें कि अगर यहां से भाव बढ़ने हैं, प्रोडक्शन कट आना है, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी फिर क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी जैसी कंपनियां रहेंगी? क्या वहां पर आज के लिए एक बड़ा मौका है ट्रेड लेने का? हर्षिता, आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया। एंड यस, क्रूड ऑयल जंप 40% इंट्राडे यस्टरडे। अब कैन दैट बी द रियल ट्रिगर के वी हैव मेड अ बॉटम? आई एम वेरी श्योर, क्योंकि क्रूड ऑयल हैज अ कोरिलेशन ऑफ पॉजिटिव ग्रोथ एंड मोमेंटम ऑन द अपसाइड। जब जब क्रूड घटा है वो हमारे लिए एक साइकोलॉजिकली बात है कि बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट अच्छी होती है फिस्कल पे। बट क्रूड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ और एंड इट हर्ट्स मोर पीपल हु आर इन द मनी, पर्टिकुलरली सऊदी, जर्मनी, रशिया। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि क्रूड हैज मेड अ बॉटम और इसमें अब अपसाइड दिखेंगे हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अगर क्रूड में बॉटम है तो एनर्जी स्टॉक्स विल डू वेल, और आपने दोनों सही नाम लिए, रिलायंस एंड ओएनजीसी विल बेनिफिट। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज इन्वेंट्री जो अब लोगों को नीचे भाव में मिली है, आई एम ऑल्सो वेरी वेरी ओवरवेट ऑन दी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। मुझे लगता है एचपीसीएल और आईओसी यहां से आउट परफॉर्म कर सकते हैं, गिवन दैट देयर मार्जिन्स एंड यू नो रिफाइनिंग विल बी एट द बेस्ट इन दिस क्वार्टर, इवन दो वॉल्यूम्स विल बी लो। तो यस, रिलायंस, ओएनजीसी, एचपीसीएल, आईओसी एक बास्केट है जो आप खरीद सकते हैं। ठीक बात है। तो देखिए, ये तमाम स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर कि इसे एक डिविडेंड के तौर पर डोल आउट किया जाएगा, इस पैसे को निवेशकों को दिया जा सकता है, क्या वो उम्मीद करनी चाहिए? आपकी अप्रोच क्या रहेगी ऑरोफार्मा पर, अब ये डील ना होने पर जो पैसे इनके बचे हैं, उस पर्सपेक्टिव से अगर इस खबर को पढ़े तो? हर्षिता, इट्स गॉट अ बोथ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव व्यू। देखो, नेगेटिव इसलिए है कि सैंडोज से जो ये काउंटर था, इट इज अ वेरी बिग डील, उसका जो पोर्टफोलियो ऑरो का बनाते था, इट वुड हैव गिवन अ लॉट ऑफ सिनर्जीज। और पॉजिटिव ये है कि एट अ टाइम जब आपके हाथ में कैश इज गोल्ड, और अगर वो रह जाता है तो आपके लिए जो आगे के लिए टाइम और रणनीति है वो बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं तो ऑरोबिंदो पे पॉजिटिव हूँ। मैं सोचता हूँ अगर कोई आज डिक्लाइन मिले वो लेने की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एफडीए से जो बाकी उनके इश्यूज थे वहां पे सब में उनको क्लियरेंसेस मिल गई थी। एंड आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आज की डेट में तो बहुत अपॉर्चुनिटी है फॉर फार्मा शेयर्स टू बी यू नो आउट परफॉर्मर्स। इनका जो डिफेंसिव नेचर था अब वो हाई बीटा बन सकता है, ऑन द बेस दैट घबराहट में सबसे ज्यादा बिकवाली भी फार्मा स्टॉक्स की होगी, आई मीन मेडिसिन की। And I would say that Aurobindo is a perfect buying opportunity अगर आपको आज ये weakness में मिले। हम यहाँ पे ये भी दो और नाम ले रहे हैं, Sun, Lupin और Cipla, इनको भी नाम इस कीजिए और Dr. Reddy एक portfolio बनाइए, या SBI Mutual Fund या Nippon जो health fund है उनका, sorry उनके जो pharma funds है उनमें बने रहिए या नया निवेश कीजिए, because pharma can be a very good outperformer in the next 6 months। जब गर्मी हो तो अच्छी अच्छी चीज पिघलती है, लेकिन ये वो स्टॉक्स हैं जो आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होने चाहिए। बजाज फाइनेंस, भसीन साहब, आपकी भी राय यही है? हाँ बिल्कुल, देखिए उसकी जो इनविंसिबिलिटी थी वो आपके सामने आ गई है, बट दैट्स द ट्रूथ के जो ये FIs के ओवरऑन स्टॉक्स थे, जो मल्टी बैगर्स या जो आउट परफॉर्मर्स थे, उन सब में जिसमें आपकी ओनरशिप है हेमंत जी, आप वही बेचोगे ना। तो HDFC बैंक आपने देखा है, RBL बैंक या इंडसइंड और बजाज फाइनेंस, ये सब में सबसे ज्यादा फॉल आया। बजाज फाइनेंस राइटली सो, क्योंकि अभी भी अनसर्टेंटी है कि RBI की बॉन्ड होल्डिंग पे क्या लीवरेज अलाउड है एंड फोरबेरेंस की एंड सो ऑन। बट देखिए, बजाज फाइनेंस कोई आज से जमा नहीं हुआ, ये तो कितने पुराना स्टॉक है, एंड दे हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी प्रूडेंट इन कंट्रोलिंग देयर कॉस्ट एंड सो ऑन। और अगर आप वेट कर रहे थे 3 साल में लेने के लिए ऐसा मल्टी बैगर, तो ये 2200 का लेवल है, यहाँ पे भी सिप कीजिए और अच्छे शेयरों में बने रहिए। ओवर ओनरशिप इज अ प्रॉब्लम जो मेरे हिसाब से काफी मिटिगेट हो गई है, लेकिन अगर हम जैसे सोच रहे हैं कि अगले 6 महीने में वापसी फास्ट होगी, ग्रोथ विल कम बैक एंड सो ऑन, तो आपको बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक ये इसी कारण से, फियर के वजह से, ओवर ओनरशिप की वजह से ही इस भाव पे मिल रहा है, नहीं तो ये नहीं मिलता इस भाव पे। तो लेने की चेष्टा कीजिए, अगले 12 हफ्ते के लिए सिप कीजिए और बने रहिए। ये बताइए, क्या करंट लेवल्स पर कोटक भी उतना अट्रैक्टिव है जितना आपको बजाज फाइनेंस दिख रहा है? सो हर्षिता, जैसे आपको कहा है, द बुके इज फुल, आपके पास इतनी चॉइसेस हैं। अब ये एक एट
एट्रीब्यूट होता है कॉज एंड इफेक्ट, क्योंकि कोटक घटा है आप बोल रहे हो कि एमएससीआई एंड सो ऑन, लेकिन ये मौके होते हैं। आपको एक और बताऊं कि लास्ट वीक बोइंग हिट अ लो ऑफ 85 और 90 डॉलर्स और एक हफ्ते में वो 160 डॉलर आया और अब आई है कि वॉरेन बफेट हैज अपड हिज स्टेक इन बोइंग। तो कोटक बैंक एज अ पेडिग्री स्टॉक जो हर फॉल में लेने की एक मौका मिलता है, लेकिन हमें ये लगता है कि क्योंकि इनमें एफआईएस की और डोमेस्टिक भी ओवरवेट थे और ओवर ओनरशिप थी तो वहां पे सेलिंग काफी ज्यादा है। अब कैन इट बी अ बेस्ट प्ले, आई वुड स्टिल से कि आप बैंक निफ्टी या बी बैंक बीज ईटीएफ या कोई अच्छा म्यूचुअल फंड लीजिए जिसमें 10-12 बैंक है, क्योंकि हो सकता है कोटक अंडर परफॉर्म्स फॉर सम टाइम एंड द अदर्स डू वेल, क्योंकि उनमें ऑलरेडी दूसरी, तो आई वुड से द ब्रॉडर मार्केट या ब्रॉडर बैंक्स विल डू एक्सट्रीमली वेल इन द पुल बैक्स ऑल्सो। नाउ इट विल नॉट बी अ रैली जहां सिर्फ 10-20 स्टॉक्स जैसे कोटक, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट चलेंगे, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट ने भी बहुत ज्यादा बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू कर दिया है और मैं अभी भी सोचता हूँ कि बाइंग अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स, इसलिए द बैंक बीज जहां पे 6 PSU 6 प्राइवेट बैंक्स हैं, दैट विल बी अ वेरी गुड प्रॉक्सी टू प्ले फॉर द नेक्स्ट 1-3 ईयर्स देखने को मिल रहा है। भजीन साहब, इन सेक्टर्स में अगर कोई स्टॉक आपको पसंद आता हो तो बताइएगा, क्योंकि स्टे एट होम थीम में कई और भी स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। हेमंत, आपने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन दी, आपने जो बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट भी दी है, लेकिन हम यहाँ 3-4 दिग्गज नाम ही रहेंगे। अगर आप अल्कोहल में कहेंगे तो वी वांट टू स्टिक विद यूनाइटेड स्पिरिट्स, उसकी मार्केट शेयर, उसकी जो मोमेंटम था लास्ट क्वार्टर तक बहुत स्ट्रांग था और एक क्वार्टर में सेल्स में डिप, बट अगेन वन बिजनेस विल बी बैक टू यूजर। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑल्सो ऑन द बैक के अब समर सीजन भी आ रहा है एंड सो ऑन। दूसरा होएगा स्पेशलिटी केमिकल्स में, वी आर वेरी पॉजिटिव एज यूजल ऑन SRF, अतुल एंड आरती इंडस्ट्रीज। तो ये 4 नाम है। आपने शुगर में कहा तो ऑफकोर्स अगर कमोडिटीज पे दबाव रहेगा, क्योंकि आपको खाना पीना तो करना ही है, तो राइस, शुगर, जो स्वीट, जो सॉफ्ट कमोडिटीज है उनमें आपको एक उछाल आएगा, बट दैट विल बी साइक्लिकल एंड यू हैव टू बी लिटिल वॉचफुल। लेकिन हेमंत, जैसे आपने कहा बुके है सो मेनी ऑफरिंग्स, तो आप जहां भी अच्छी तरह से ब्लू चिप शेयर्स हैं, जो आपको कुछ नाम दिए, कुछ आगे के लिए आप सोचिए, कुछ म्यूचुअल फंड लीजिए, लेकिन बने रहिए। अगर लिक्विडिटी है तो धीरे धीरे डिप्लॉय कीजिए, बिकॉज ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जो मुझे लगता है ज्यादा देर लास्ट नहीं करेगी।